अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं आप सब लोग यार। अभी हम लोगों ने एयरपोर्ट के लिए निकलना है। प्यारे लग रहे हो आप। अभी हम लोगों ने एयरपोर्ट के लिए निकलना है और ये जो अम्मी ने ड्रेस भेजा था मैंने वो पहना है। ड्रेस बिल्कुल रेडी हूँ मैं, लेकिन मुझे ना दराज की एक वीडियो करनी थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने दराज से कुछ चीजें मंगवाई थी, ढेर सारी चीजें मंगवाई थी अपने खुद के पैसों से। वो दिखाती हूँ आपको क्या क्या चीजें। वो बैक कैमरा ऑन करती हूँ फिर दिखाती हूँ। मेरे पैसों से आपके मेरे एक ही बात है। आप किसके हो फिर बताओ, मैं कैसे लग रही हूँ? चलो हो गया मक्खन। हम आ गए जी अपने वॉशरूम में। सबसे पहली चीज इसके बारे में बहुत ज्यादा आप लोग पूछ रहे थे वो है ये वाला शॉवर। सो मैंने ये शॉवर दराज से मंगवाया। ये बेसिकली एक फिल्टर शॉवर है, क्योंकि हम इसमें मत बोलो जब मोबाइल पे बात करते हैं। ये मैंने न्यू मंगवाया। अच्छा ये फिल्टर शॉवर है, आप ही पूछना ना। ये फिल्टर शावर है क्योंकि हमारा पानी ड्राई है। और इस यही सेम इशू बहुत सारे लोगों को, अगर उनके बाल गिर रहे हो। अब देखो आज मैंने इस शावर से बाल वॉश किए हैं और आप बाल देख लो मेरे बगैर कंडीशनर के। ये जिसके चीजें लगी हुई है इससे मैंने आज बाल शैम्पू किया। मेरे बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए, इतने सॉफ्ट हुए हैं मेरे बाल। और फेस भी मैंने इसी से वॉश किया था आज अपना। तीन इसमें ऑप्शन। और इतने मुंह भी मैंने इसी से धोया है, हाथ भी इसी से धोए, वजू भी इसी से किया है। इतना साफ से पानी आता है, इतना क्यूट है ना ये। इतना इजीली अटैच हो जाता है हमारा ये लगा हुआ था ऑलरेडी। यहाँ से देखो ये ऑन ऑफ होता है, यहाँ से लॉक हो गया, यहाँ से खुल गया। और ये तीन ऑप्शन। और भारी कितना है ये? वजन इतना नहीं है, बस पानी का वजन है मेरे ख्याल से ज्यादा, लेकिन इसमें अंदर सिस्टम बहुत अच्छा है। इतना प्यारा देखो पानी, कितना वाइट वाइट दबा पानी आ रहा है हमारा, कितना डस्टी पानी है हमारा, पानी गंदा है। और इतना मिट्टी इधर रुक जाएगी। हाँ ये जो ये चीज है ना, जो अल्लाह ताला का भी एक प्रोसेस है ना, जमीन के अंदर तीन लेयर से पानी, जो सैंड और पत्थर सबसे फिल्टर होकर हमारा बोरिंग का पानी आता है। इसके अंदर भी जाली लगी। हाँ इसके अंदर नेट भी लगी हुई है, इस तरह से फिल्टर होकर पानी आता है। और ये टेस्ट, और ये बाहर मुल्क से आया था, दराज का था, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्री से आए हैं। इंटरनेशनल शिपिंग चार्जेस हुए थे मेरे 2,2190 रुपए दिए थे मैंने इसके। बट ये कि यार मैं अपने बाल खराब करने से बेहतर है मैंने कहा 2,000 रुपए लगा लूं। तो ये बड़े प्यारी काम की चीज है। सो जो दूसरी चीज है वो ये टूथपेस्ट वाला है। जितने ही मैंने मंगवाया था लोकली वो अच्छे नहीं था निकले, ये बहुत अच्छा निकला है। मैं आपको टूथपेस्ट पे लेके दिखाती हूँ। ये बाकी उसे टूथपेस्ट नहीं निकलता, इससे कितना अच्छा टूथपेस्ट निकलता है। ये बाकी उसे टूथपेस्ट निकलता है, इससे टूथपेस्ट भी निकलता है, फिक्स भी जाता है टूथपेस्ट, हटता भी नहीं, चिपकने वाला, टाइल खराब नहीं होती आपकी। ये वाला जो रेक है ये भी दराज पे अवेलेबल है, आप ये भी मंगवा सकते हो। ये भी स्टिकर वाला, हमने क्योंकि नया घर बनाया था, हम कहीं से भी घर को तोड़ना वोड़ना नहीं चाहते थे, तो हमने सारी चीजें चिपकने वाली मंगवाई है। ये भी दराज से आया था मेरा। टिश्यू बॉक्स है ये भी दराज पे अवेलेबल है। इसके अंदर टिश्यू डालते हैं, हम यहाँ से निकाल के यूज कर लेते हैं टिश्यू, और इस तरीके से बिल्कुल बंद हो जाता है। अभी क्योंकि हमने मुंह धोया था फिल्टर वाले शॉवर से, सामान रखा हुआ इसके ऊपर, इस तरीके से लॉक हो जाता है। और इसको लगे हुए साल हो गया, ये रेक को भी और इसको भी साल या 8 महीने तो कम से कम हो गए। मतलब हम लोग अपने घर में शिफ्ट हुए थे अक्टूबर में, और मैंने शिफ्ट होते के साथ ये लगाया था, हमने इसकी वीडियो बनाई थी। अभी तक देख लेंगे इट इज लगा हुआ है, कहीं से खराब नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये साबुन का पूछ रहा था आप लोग, अभी साबुन खत्म हो गया, लेकिन ये भी मैंने दराज से मंगवाया है। ये भी इस तरह से दीवार में चिपक जाता है, मुझे व्हाइट कलर में नहीं मिला, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं मैं इस पर स्प्रे कर लूंगी व्हाइट वाला। सो ये भी दराज से आया, ये चिपक गया तरीके से। और सोप जब इसमें रखते हैं ना हम, तो पानी सारा इसके अंदर गिर जाता है, काउंटर गंदा नहीं होता, सीधा वॉश बेसन में पानी आता है, ज्यादा अच्छी लगेंगे। और इसके अलावा ये कपड़े टांगने वाली जो होती है, ये भी हमने कीलों के साथ पेचों के साथ नहीं लगाई, हम जैसे मैंने बताया टाइल तोड़ना नहीं चाहते, तो फिर ये भी मैंने दराज से मंगवाली थी और ये यहां लग गई है मजे से। सो ये बहुत सारी चीजें थे जिसका आप लोग लिंक मांग रहे थे, तो मैं आप सबके लिए इन सबका लिंक लगा दूंगी। और बड़ी ही काम की चीजें सारी की सारी। सो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो रेगुलर यूज में जरूरत होती है हर किसी को। जैसे अब ये वाला शॉवर, ये जो बॉक्स है टिश्यू वाला, ये भी यूज करना होता है जब आपके घर में जो है वो इंग्लिश सीट लगी हुई है। शॉवर बाल तो ना खराब कर सकते हैं ना स्किन खराब कर सकते हैं, तो इतना महंगा फिल्टर लगता है 1,20,000 1.5 लाख समथिंग का, जो टंकी के साथ लगता है। सो मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगा 2,000 रुपीज में। ये रेक भी मेरा 2,000 के अंदर ही आया था, मैंने कोई चीज तोड़ी नहीं, मेरी आराम से सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और टूथपेस्ट वाला भी, बच्चों पेस्ट निकालना आता जाया कर देते हैं, यहाँ से अब सुकून से निकाल लेते हैं। ये सोप वाला भी, वो जो सामने लगा हुआ है खूंटी बोलते हैं उस पर कपड़े टांगने वाली, वो भी कितने आराम से लग गई सारी चीजें। उसके बाद जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे वो ये डाइनिंग टेबल थी, और डाइनिंग टेबल नहीं डाइनिंग टेबल की शीट थी, सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था इसके बारे में। आप ये किधर से ली? ये भी दराज से ही मैंने ली थी, लेकिन ये पीवीसी की नहीं आई, मुझे पीवीसी की चाहिए थी। उसमें क्या होता है ना कि पता भी नहीं चलता हमने शीट बिछाई है, इसमें पता चलता है कि हमने शीट बिछाई हुई है। बट फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, क्योंकि ये मेरी डाइनिंग टेबल को खराब होने नहीं देता, स्क्रेचेस नहीं पड़ते, छिलती नहीं है कहीं से भी डाइनिंग टेबल। तो इस ये भी काफी अच्छी निकली है, 1100 की आई थी आई थिंक। बच्चा वाला घर है, आपको पता छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह से, तो डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, हर चीज खाते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के। तो उस हिसाब से मैंने, जब तक मेरी ये शीट नहीं आई थी ना, मैंने इसके ऊपर से शॉपर नहीं उतारे थे, शीट आई है मैंने इसके ऊपर से शॉपर उतार के ये शीट बिछा दी है, जिससे डाइनिंग टेबल की खूबसूरती तो नजर नहीं आती, मतलब ये बहुत प्यारा इसका करारा प्रिंट है, बट ये है कि शीट से खराब नहीं होती। अब पीवीसी की जो है ना,
क्या पता अली एक्सप्रेस से कहीं से मिल जाए, पाकिस्तान में पता नहीं है भी कि नहीं है। सो वो मेरे पास नहीं है। ये वाला जो टिश्यू बॉक्स है ये भी दराज आपको मिल जाएगा। इसमें हम रिमोट डाल देते हैं, इसी का रिमोट मोबाइल, जब हम खाना खाने बैठते हैं ना तो सब बच्चों से मोबाइल लेके मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे टिश्यू डल जाते हैं आपके। सो ये भी बहुत ही प्यारा एक चीज़ है और इसके अंदर आप अपने ना स्पून वगैरह भी डाल सकते हैं, बट हम मोस्टली एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट और बच्चों के मोबाइल फोन और टिश्यू डालते हैं इसके अंदर। और ये ग्रे के साथ, व्हाइट और ग्रे, मेरे घर की पूरी थीम है तो उसके साथ बड़ा बहुत ज़्यादा परफेक्टली जाता है। इसका भी एफिलिएट लिंक लगा दूंगी, टिश्यू का भी लगा दूंगी, टिश्यू बॉक्स का और शीट का भी लगा दूंगी एफिलिएट लिंक, ताकि आप लोगों को लेने में आसानी हो जाए। जो मैंने चीज़ मंगवाई थी दराज से वो ये एक्सरसाइज करने के लिए रोटेटिंग डिस्क है यार, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे आई थिंक 10 दिन हो गए इसको यूज़ करते। बहुत सस्ती आई थी, 300 समथिंग की। वो लोग जो आपको पता है आजकल हर इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे एक ही चीज़ दिखा रहा था, जी हम ट्रेडमिल यूज़ कर रहे हैं, हम एक्सरसाइजिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं। और जितनी पाकिस्तान में इन्फ्लेमेशन है ना कोई भी नहीं ले सकता ट्रेडमिल। मैं सोचूंगी 70 दफा लेते हुए यार 1.5 लाख की 80 की आ रही है ट्रेडमिल, उससे बेहतर नहीं मैं कोई और इसका अल्टरनेट ढूंढ लूँ। ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया, इससे मेरी वेस्ट इतनी शेप में आई है, मैं भी आपको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। बहुत ईजी है, इसके इतने अच्छे रिव्यूज़ है, मेरे ब्लॉग पर इसके इतने अच्छे रिव्यू आए थे जब मैंने बाय किया था, दिखाया था इंस्टाग्राम पे इतने अच्छे रिव्यूज आए, लोग कह रहे थे कि आप ही हम इसको 1 महीने से यूज करो और हमारी बॉडी शेप में आ गई है। सो स्टार्टिंग में आपको पेन होता है, मैंने स्टार्टिंग में जब इसको यूज करना शुरू किया मेरी वेस्ट पेन करती थी, आपको दिखाती हूँ इसको यूज करना कैसा, उसके बेनिफिट भी बताती हूँ। सो ये इसको यूज करने का मेथड है बहुत ही ईजी, देखिए मैं हील के साथ भी इसको यूज कर पा रही हूँ। मैं इसको ना मोस्टली क्या करती हूँ, जो मेरे कमरे की विंडो है ना उसकी आपको पता है सेफ्टी ग्रिल होती है, इसको वहां पर रखती हूँ, उसको पकड़ के जो है ना मूव करती हूँ राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। इससे आपके जो हिप्स हैं, आपकी जो वेस्ट है, वो सब चीजें शेप में आती हैं, आपका वेट भी कम होता है, इवन जो आपका पेट निकला हुआ है ना वो भी अंदर जाना शुरू हो जाता है। ये ना एक कॉम्ब है लेकिन ये तेल लगाने के लिए और रोजमेरी का जो स्प्रे यूज़ कर रही है उसके लिए यूज़ होता है। इसमें आपने स्प्रे डालो, जब आप इसको यूज़ करो तो आराम से सारा स्प्रे आपके बालों में लग जाता है। तो ये मतलब बोतल बोल लें आप इसको, ऑयल बोतल बोलते हैं वैसे इसको। ये भी मैंने दराज से मंगवाई थी, इतना अच्छा ये वर्क कर रही है ना। अलावा जी मैंने ये वाला ब्रश मंगवाया था वॉशरूम के लिए, ये शैम्पू और कंडीशनर करने के लिए यूज़ होता है, बहुत ही अच्छा ब्रश है ये भी। और ये वाला मंगवाया था बालों को कॉम्ब करने के लिए, डिटेंगलिंग ब्रश है, देखें थोड़े बहुत बाल जो टूटते हैं वो इसी में रह जाते हैं और बालों को डैमेज नहीं करता, बहुत ही अच्छा। ये दोनों प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, ये भी मैंने दराज से इसीलिए मंगवाए थे कि बहुत ज़्यादा अच्छा, इवन मुझे बाहर से महंगा मिल रहा था और दराज से सस्ता मिल रहा था। और ये मेरे सारे ऑर्डर्स की डिटेल है जो मैंने दराज से मंगवाए हैं, ये देखें। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट दराज से मंगवाए थे, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर उसके लिंक्स लगा दिए थे अनबॉक्सिंग करते हुए, बट ये वाली चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे क्योंकि ये वॉशरूम में यूज होने वाली चीज है और ये ऐसी चीज है जो हर किसी को जरूरत होती है। सारे प्रोडक्ट्स का एफिलिएट लिंक लगा दूंगी, जैसे अली एक्सप्रेस पे लोग काम करते हैं, अमेजोन पे काम करते हैं, जब आप उस लिंक से कुछ खरीदते हो तो उस बंदे को भी कमीशन मिलता है 1% और 2%, इससे ज्यादा कमीशन नहीं है दराज पे। सो आप लोग बाय करोगे तो मुझे भी कमीशन मिलेगा और चीज वो है जो मैंने बाय की है, यूज की है और उसके बाद मेरे वॉशरूम में यूज हो रही है काफी टाइम से, तब मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ऐसा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मैं लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।